माथाबारे फाइनेंसर रजन काली पर जानलेवा हमला करने वाली गैंग को गत रोज रांदेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिरकार घटना को 6 दिन बीतने के बाद पिता पुत्र और 2 भाइयों सहित 5 लोगों की कुख्यात गैंग के अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। अराजन गौरवपथ रोड पर स्थित भक्ति धर्म अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासी रोशन चंद्र पाल जायसवाल और उसके बड़े भाई दीपक उर्फ राजन काली पर गत बुधवार देर रात घात की जानलेवा हमला किया गया था। रोशन की सास के पास से पैसे मांगने की बात को लेकर उसके साले विपुल उर्फ कृष्णा नामक युवक ने झगड़ा करके मारपीट की, जिसके संदर्भ में रोशन ने उसके बड़े भाई दीपक उर्फ राजन को पूरी बात बताई। उसके बाद उन्होंने विपुल के घर पर जाकर उसे पीटा, जो कि विपुल उर्फ कृष्णा ने उसके मित्र प्रदुमन उर्फ पद्दू जितेश शाह भरूची उम्र 20 साल निवासी अंबिका नगर रामनगर रांदेर के निवासी को बताई। राजन काली ने उसके भाई के साले के साथ शुरू हुए फैमिली मैटर में वीरेंद्र उर्फ विपुल उर्फ रोबी चंद्रकांत भरूची उम्र 36 साल और मधु प्रदुमन नौनीजी रंजीश का बदला लेने का सोचा और उसके शाम को प्रदुमन के उसके पिता जितेश और भाई अमित तथा रोबी और उसके भाई प्रशांत के साथ मिलकर राजन काली और रोशन पर जानलेवा हमला किया। इस भयानक हमले में राजन काली बुरी तरह से जख्मी हुए, जिससे उन्हें अंदरूनी और गंभीर चोटें आई, जिसके संदर्भ में रांदेर पुलिस ने हमलावरों पर हत्या का मामला दर्ज किया। उसी दौरान गत रोज पुलिस ने राजन काली पर जानलेवा हमला करने वाले हमलावर गिरोह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया और अब पुलिस द्वारा पकड़े गए अपराधी गिरोह का रिमांड मांग कर अपराधी टोली किसकी मदद लेकर इतने दिन तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रही थी, उस दिशा में गहराई से जांच पड़ताल जारी है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।